हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे कनाडा मूवी बेल बॉटम के बारे में, जो कि फाइनली मैंने देख चुका हूँ। अब वो मैंने कैसे देखा वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताता हूँ। तो चलिए, इस फिल्म की कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म हमें नजर आते हैं ऋषभ शेट्टी, हरिप्रिया, प्रमोद शेट्टी और अच्युत कुमार। इसके अलावा इसे डायरेक्ट किया जय थिरता ने। इस मूवी की कहानी शुरू होती है डिटेक्टिव दिवाकर यानी ऋषभ शेट्टी से, जो कि बचपन से ही डिटेक्टिव बनना चाहते हैं और वो बचपन से डॉक्टर राजकुमार की फिल्में हो या जासूसी नॉवेल हो ये सब कुछ देखते हैं। लेकिन मजबूरन इनके फादर अच्युत कुमार जब पुलिस में होते इनको भी कांस्टेबल बनना पड़ता है। लेकिन ये कांस्टेबल बन तो जाते हैं लेकिन दिल से ये जासूस ही रहते हैं, डिटेक्टिव ही रहते हैं। लेकिन फाइनली इनकी लाइफ में ट्विस्ट आता है जब ये एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। वो बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व करते हैं। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी था। वो ट्विस्ट ये है कि जब एक लोकल पुलिस स्टेशन में रॉबरी होती है तो उस रॉबरी को ये किस तरह से सॉल्व करता है और क्या कुछ इस मूवी में हमें देखने को मिलता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी बेल बॉटम। देखिए, ये क्राइम थ्रिलर मूवी है लेकिन इसमें जिस तरह से कॉमेडी का तड़का डाला गया ना, वो बहुत ही जबरदस्त है। अगर इस फिल्म में आपको कॉमेडी नहीं होती ना तो फिल्म में जो मजा होता ना, वो मजा कहीं खत्म हो जाता। और पूरी की पूरी इस फिल्म का श्रेय मैं दो ही लोगों को दूंगा, एक तो ऋषभ शेट्टी और दूसरे इसके डायरेक्टर जय थिरता। दोनों ने बहुत ही लाजवाब काम करके दिखा। ये मूवी स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको एंटरटेन करेगी। अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं भी समझ में आएगी तो भी ये मूवी आपको एंटरटेन करेगी। जिस तरह से इसमें 70s और 80s का दौर बताया और जिस तरह से यहाँ पर आपको ऋषभ शेट्टी गाजर खाते हुए, मतलब एक तरह से देखा तो करमचंद जासूस की आपको याद आती है। मतलब जितने भी आपने जासूसी चीजें पहले देखी सब चीजों की याद आ जाएगी। और यहाँ पे ऋषभ शेट्टी ने जिस रोल को निभाया है डिटेक्टिव दिवाकर का, उस रोल को उन्होंने इतना लाजवाब तरीके से निभाया कि आप उस रोल में अभी किसी और एक्टर को देख ही नहीं पाओगे। लेकिन अब उस फिल्म का रिमेक बन रहा है हिंदी में, यानी कि अक्षय कुमार हमें बेल बॉटम मूवी के रिमेक में नजर आने वाले। अब देखना है कि वो एज इट इज सेम टू सेम मूवी बनाते हैं या कुछ छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली ऋषभ शेट्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। और ये एक ऐसी फिल्म लगी जो हर एक इंडस्ट्री के लोगों को पसंद है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलता है। एक अच्छा रोमांटिक सीन देखने को मिलता है, हरिप्रिया और ऋषभ शेट्टी के बीच की जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी देखने को मिलती है। हरिप्रिया का परफॉर्मेंस भी मैं यहाँ पर बताना भूल गया लेकिन बहुत ही शानदार है। अच्युत कुमार एज यूजुअल हमेशा की तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस रहता है और प्रमोद शेट्टी उनका भी काम मुझे बहुत अच्छा लगा। इस मूवी की म्यूजिक बहुत ज्यादा अच्छी है, अजनेश लोकनाथ ने इसकी जो म्यूजिक दी है बहुत ही ज्यादा शानदार म्यूजिक बोलूंगा। और फिल्म की जो जान है वो म्यूजिक भी एक तरह से दिखाया जाता है। तो 2 घंटे 11 मिनट की मूवी आपको कहीं पे भी बोर करती नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं बहुत अच्छे लगते हैं और जितने भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफी डिटेल में और काफी अच्छी तरह से बताया, मतलब ऐसा नहीं हवा में बता दिया हो, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से बताया। इसीलिए मैं इस फिल्म की इतनी तारीफ कर रहा हूं। आप खुद डिसाइड करो, आप इस फिल्म को खुद देखो और खुद मुझे बताओ कमेंट करके कि आपको ये फिल्म कैसी लगी थी। फिलहाल अब मैं आपको बताता हूं कि ये फिल्म मैंने कहां देखा था, क्योंकि मैंने इस फिल्म को डीवीडी में देखा हो। आप चाहो तो इसकी डीवीडी मंगा के देख सकते हो, या तो फिर आप लोग इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो किक एस टोरेंट पे आपको मिल जाएगी। लेकिन डाउनलोड करने से अच्छा या तो किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म का वेट करो, जिस पर यह अभी फिलहाल है नहीं, या तो फिर आप लोग इसकी डीवीडी मंगा के देख सकते हो। यह आपको फुल टू एंटरटेन करेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, इस वीडियो की लिंक को जितना आप लोग शेयर करो उतना अच्छी बात है। तो बस मिलते हैं शाम को किसी नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना।